खबर सितारगंज उत्तराखंड से है। भाजपा विधायक सौरभ बहागुड़ ने सितारगंज खटीमा रोड पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहागुड़ ने पार्टी पदाधिकारी के कार्यालय को एकजुट करने की बात कही। यहाँ पर बता दें, कार्यालय का शुभारंभ विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणेश वंदना के साथ किया गया और इसके दौरान भाजपा कार्यालय ने विधायक सौरभ बहादुर का स्वागत किया। और बता दें कि विधायक सौरभ बहादुर ने शीघ्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखंड का पुनः भाजपा सरकार बनने का दावा किया। विधायक ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव एक बार फिर कांग्रेस की ही सरकार। सितारगंज मंडल का अपना कार्यालय का शुभारंभ किया है, उसी तरीके से आज ही शक्ति फार्म मंडल का भी शुभारंभ है और बड़ा मंडल का भी कार्यालय का शुभारंभ है। चुनाव घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हमारे कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया सितारगंज की सेवा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए। जैसा आपने बोला, क्या रुझान है, रुझान पूरे स्टेट में फिर से भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ये मेरा विश्वास भी है। और ये संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सर, जहाँ डिजिटल चुनाव होना है, अभी विपक्ष कहीं तक यहाँ देख नहीं रहा, ना झंडे बैनर डंडे कहीं भी कोई संगठन देख नहीं रहा, तो भाजपा बढ़त बना हुआ है, किस तरह देख रहे हैं इसको आप आगे?